स्वागत है सभी का एक और वीडियो में। आज मैं चुका हूं पायरेट प्लाजा में और आज की वीडियो में तुमसे पहले बता रहा हूं यार, अगर तुम्हें भरपूर एक्शन चाहिए तो मत ही देखो, बिकॉज मैं बता रहा आज का मेरा इतना घटिया दिन गया यार। मतलब मेरे को खुद को विश्वास नहीं हो रहा कि आखिर ये हो क्या रहा है, मैं क्यों बार बार हारे जा रहा हूं, मतलब व्हाई। और हाँ, तुम्हें एक ही कॉमन रीजन देखने को मिलेगा, अब उसके लिए तुम्हें वीडियो देखनी पड़ेगी, बट स्टिल मैं बता रहा हूं एक्शन होगा थोड़ा बहुत, बट स्टिल मजा आएगा। देखो तुम्हें, मैं देखो इस दूसरी वाली बिल्डिंग की तरफ आया क्योंकि उस तरफ कोई था नहीं और मैंने इस वाला मैच में सोचा था कि क्यों ना डबल एसके चलाई जाए। मतलब शौक है यार, AK-M4 तो रोज चलाते हैं ना, डबल एसके चलाते हैं। बहुत ही समंदर से देखो दो दो फुटस्टेप्स आ रहे थे, मैं सोचा बस दो किल तो मेरी जेब में जाएंगे। देखना मैं कुछ ज्यादा ओवर एक्साइटेड हो चुका था, एक किल तो मुझे मिल जाता है। लेकिन मुझे नहीं पता था मेरे टीममेट के भी सिंगल टैप का भूत चढ़ रखा है भाई साहब, उसने मिनी 14 से क्या ही मारा बंदे को। अब ऐसे कुछ दिक्कत नहीं थी, मार दिया तो मार दिया, चोरी नहीं करा किल, बट ऑफ कोर्स यार इस जगह से मतलब किसी भी हॉट ड्रॉप से यार एक किल लेके जाना ना बड़ी शर्म की बात है सच में। मतलब ऐसा लगता है ये एक किल भी क्यों मिला, जीरो ही कर देते सही रहता। जो भी हो, मैं गाड़ी लेकर देखो निकल चुका था, वो जो ड्रॉप देख रहा ना, यस इसी तरफ मैं जाने वाला था, बट यहाँ देखना मुझे सामने गाड़ी दिखी और तुम देखना यहाँ पे जो टक्कर होने वाली है, मतलब मैं बता रहा अगर रियल लाइफ होती ना तो गाड़ी के दो टुकड़े हो जाते शायद से। ऐसे कैसे एक बार तुमसे स्टार्टिंग में एम हो गया ना कि हाँ स्टार्टिंग में दो तीन गोली मस्त कनेक्ट हो जाए तो भाई मैं बता रहा ये फिर हटती नहीं है, ये मार के ही छोड़ेगी बंदे को। लेकिन स्टार्टिंग में अगर तुमसे हो गया गड़बड़ तो मैं बता रहा बंदा सामने वाला लपेट जाएगा। जो भी हो, मैं फटाक से वापस से गाड़ी पकड़ते और अब हम यहाँ से बस निकलने ही वाले थे, लेकिन पीछे एक बंदा रोकता हमको। शायद से आप लोगों को यूएस की आवाज़ आ चुकी होगी ना, बिल्कुल मेरे दोस्त नहीं आई तो मैं दिखा देता हूँ ना। यहाँ देखो ट्रिपल स्टोरी की तरफ बंदे उतरे थे और मेरे टीममेट की क्या मुझे लग नहीं रहा था इनके पास आरपीजी, बिकॉज आरपीजी होती तो अभी तक तो इनको चला देनी थी, लेकिन फिर भी 1% भी चांस है कि अगर आरपीजी है वहां पर तो भाई फिर मेरे 100% चांस है मरने के, समझ रहे हो, इसलिए मैं पीछे आई गया। ओके टीममेट कुछ ज्यादा आरपीजी स्पैम कर दिया यार तूने तो। वेल मैंने ग्रेनेड फेंका अंदर की तरफ और देखना डैमेज क्या, और इस तरफ से देखना अगर तुम्हें सामने कुछ दिख पाया, देखो सीढ़ी में बंदा छुपा पड़ा था तो मैंने इस दरवाजे पे ग्रेनेड फेंका और डैम यार इतना परफेक्ट ग्रेनेड फेंका, लेकिन टीममेट जिसको नॉक करा था K9 से वो फिनिश हो जाता है, तो अभी यहां पर भी अपने को एक ही किल मिलना है। और टीममेट हो तो ऐसा, अपने टीममेट के मरते ही भाई साहब ऑफलाइन हो चुके हैं। मैं तो सोच रहा था ये टीपी पे ले रहे इतना हार्डकोर, बट वो शायद से ऑफलाइन था भाई। और हाँ भाई, इनके पास आरपीजी तो थी, जस्ट बच गया। चलो चार किल तो मेरे हो चुके थे। और हाँ, ये जो तुम देख रहे हो ना, ये ड्रॉप ये हमने मंगाया था, बताना भूल गया, लेकिन कुछ जरूरत है नहीं क्योंकि वहां से मैंने कुछ खास उठाया नहीं। गार्ड लेकर ओके हम आ रहे हैं, टेंशन नॉट। गाइस गलती हो गई यहाँ पे, वो 6x 3x नहीं बना, बहुत ही ओपी। चलो शर्मा जी के लड़के को कहीं तो टक्कर दे पाया मैं। जो भी हो, टीममेट को रिवाइव करना था पर मैंने थोड़ी फ्रिकी बाजी करी भाई, दरवाजा बंद कर दिया, लेकिन कोई नहीं। देखना कुछ देर बाद गाड़ी लेकर मैं घूम रहा था इसे और फिर मुझे रियलाइज हुआ, तुम लोग हाँ सोच रहे होंगे भाई वापस वहाँ पे क्यों जा रहा है, एक्चुअली डासिया आधी डैमेज हो चुकी है। और तुम्हें याद हो जिनकी डासिया में हमने टक्कर मारी थी ना, उनकी डासिया अभी हमारी वाली डासिया से बेटर है, देख रहे उनकी में धुआं तक नहीं निकल रहा, तो बस मैं यही एक्सचेंज करने आया था। बट जब भी आते तो ये यूएसी क्यों आती है भाई कहीं ना कहीं से, बट इट्स ओके, अपने को तो लड़ने से मतलब ना नहीं। मैं बहुत बहुत गंदा भाई मिड रेंज में एसके के साथ, क्लोज रेंज में ही ठीक है। क्या यार, इस टाइम पे लिटरली मेरे को ऐसी फीलिंग आ रही थी कि मैं सोलो खेल रहा हूँ क्योंकि हर जगह से बस एक एक किल मिल रहा है और मेरे टीममेट को भी सेम उसके साथ हो रहा है, इसलिए मैं उससे कह रहा हूँ भाई मेरे को किल दे दे, क्या पता एक कोई एक तो राज्य हुए ढंग से यार। जो भी हो, देखो सामने आपको डांसे दिखी नहीं दिखी, अरे तो देख लेना यार, वहीं उसी अपार्टमेंट की तरफ ही तो जा रहा हूँ मैं। ये देखो साइड आपको दिख चुकी होगी, साइड में डांसे, बंदा भी गए अंदर की तरफ और मुझे ऐसा लगा था सोलो है बट नहीं, और ये बंदे महा इन प्लेयर्स के लिए मेरे पास ना शब्द नहीं है। पता था मुझे मेरा टीममेट भी कैसे बच जाएगा, दोनों नूबड़ों के पास। छोड़ो गाइस, इस वाला मैच में ओल्ड बेसन में आया और वो कॉमन रीजन शायद तुम अभी पर समझ चुके होंगे मैं क्या बता रहा था। मेरे को टोम भी मिली और सामने देखो दो बंदे आपको दिखे होंगे ना, दोनों चले थे जस्ट लैंड करें तो जरूर इनको गन मिले, इसलिए मैं बिल्कुल बिल्कुल सीधा निकल चुका था कि जल्द से घर में घुसता हूँ।
ओ भाई गन मिल चुकी थी, ऑलमोस्ट ट्राई करा बंदे ने, पर तब तक मैं अंदर की तरफ आ चुका था। लेकिन अभी मैं यहाँ से तो ऊपर जा नहीं सकता क्योंकि दोनों बंदर टिपी पे ले रहे होंगे, समझ रहे हो। तो इस तरफ से जाएंगे, थोड़ा देखेंगे कि हाँ कौन बंदा कहाँ है, उसके बाद रश करने का मैं सोचूंगा। पर अगर तुम सुन पा रहे हो तो ये लोग भी इधर उधर हो चुके हैं। और भाई साहब बंदे मेरे वाले घर की तरफ आ गए थे, और तुमने देखा, देखने में ऐसा लग रहा होगा मैंने बड़ी अच्छे से मारा इनको, पर नहीं भाई, मेरी जॉयस्टिक फ्रीज हो चुकी थी। मतलब मेरी उंगली, मैं हिलाया जा रहा था उंगली बार बार, लेकिन जॉयस्टिक नहीं हिल रही थी। पीछे 10-15 सेकंड पहले रिवाइंड करा, पता चलेगा तुम्हें। लेकिन भाई बंदे खड़े खड़े ही मार गया मैं गलती से। एक्चुअली यही लोग मेरे सामने के खड़े हो गए तो शूट तो कर ही सकते हो ना इजिली। जो भी हो, गाड़ी लेकर अपार्टमेंट के पास आया और गनशॉट्स के बाद देखने कहां से आती है। ऑफ कोर्स स्टेडियम की तरफ से, और मैं वहीं जा रहा था, बट ये डाशा वाला बंदा, अरे भाई आरपीजी कब आ गई हाथ में। एक चीज़ मैं फिर से बताना भूल गया कि गाइज मैंने बीच में ड्रॉप में से आरपीजी उठा ली थी। ये इसलिए उठाई जिससे इन बेशर्म एसएल के यूजर्स को मैं सबक सिखा सकूं, क्योंकि यार एसएल के मैं चलाता तो मुझे भी ठीक लगती है, बट भाई बार बार मजे नहीं आते। और आरपीजी से ना ईंट का जवाब पत्थर से दे सकता है। अब तुमने लेफ्ट में नोटिस करा हो तो स्टेडियम की बिल्डिंग के ठीक ऊपर एक बंदा है, देखना राइट में फुटस्टेप भी आएंगे, मैंने आप नोटिस करना। अब नहीं आ रहा बिकॉज वो बंदा कैम्प कर रहा है, और मैं समझ चुका था जिस तरह से मैंने गाड़ी लगाई है ना, ये देखो अब आप आ रहे हैं ना मेरे मैप फुटस्टेप, जिस तरह से मैंने गाड़ी लगाई है पक्का बंदा कूद के इजीली निकल सकता है, मेरे को ऐसा लग ही रहा था। और मैंने कहा था ना मेरे भाई, बस देखना अब तो मैं इजीली मार सकता हूँ इसको। भाई गजब, ये रहा इसका टीममेट सामने की तरफ, बहुत ही अच्छे। और एक बार के लिए तो मैं भूल गया था इसका कोई टीममेट भी होगा, मतलब वो अचानक से इसने गोली चलाई, एकदम से मैंने पीछे देखा और तब पता चला बच ही गया बस यहाँ पे। और बताना वो स्ट्रैटेजी तुम्हें कैसे लगी। एक्चुअली मुझे भी नहीं पता था ये स्ट्रैटेजी कब अपने आप ही बन गई, बहुत ही ओपी था भाई जो भी था। मैं गाड़ी लेकर वापस से बंदों की तलाश में निकला, और अब यहाँ पे एक बहुत ही लेजेंडरी फाइट देखने को मिली, मैं बता रहा हूँ मजा आएगा तुम्हें, तुम सब्सक्राइब जरूर करके जाओगे। हम यही देखने आए थे कि बोट शूट किस पे कर रहा है, और तभी साइड से देखो ग्रेनेड वगैरह फटते हैं, और देखना इन बंदों के पास गन कौन सी थी। ओ भाई ईटी ले रखे इन्होंने तो, डैम ओके ईट का जवाब ईट से देंगे। मैं आरपीजी के एमो फालतू में वेस्ट नहीं करना चाहता था, क्योंकि तुम्हें पता है आरपीजी मेरे हाथ में कुछ ज्यादा लकी है नहीं, तो हो सकता है मेरे को दो एमो लग जाए आरपीजी वाले बंदे को मारने में। मैंने यही सोचा था कि आरपीजी से आरपीजी वाले को मारूंगा, दूसरे बंदे को नहीं मारूं। पर देखो यार ये रश करने आ रहा था, मैं इसको M4 से मारता इतने में वो आरपीजी वाला आके मुझे उड़ा देता था, दैट्स व्हाई मुझे आरपीजी से को खत्म करना पड़ा। अब तुम्हें क्या लगता है इसके टीम, जो आरपीजी वाला टीममेट है, मैं इतना भला हूँ उसको मैं M4 से मारूंगा? चलो बे उड़ा देगा भाई वो मेरे को इजीली, वो उस तरफ कोने में रिवाइव कर रहा था। एंड हियर वी गो, कसम से इस टाइम पे धड़कन इतनी तेज थी ना, बिकॉज देखो मेरे पास भी आरपीजी और मेरी हेल्थ लो भी थी, तो बस डर यही था कौन पहले शूट करता है। और इसमें तो पहले शूट का भी चक्कर नहीं है, आरपीजी क्या है तुम्हें पता है 2-3 सेकंड ट्रैवल करने के बाद जाती है, तो हम दोनों भी एक साथ मर सकते थे, बट तुम्हारा भाई कुछ है ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी। मैंने बिल्कुल मौके पर जब वो रिवाइव करा था तभी शूट करा, उसको शूट करने का मौका नहीं दिया। मैं आगे बिल्कुल ऐसा लग रहा था जितने मैचेस मैंने खेले ना सबकी भड़ास एक मैच में निकल जाएगी। लेकिन देखना बस क्या होने वाला है। मैं यहाँ पे आया, मैंने देखा ये बॉट ड्रॉप लूट रहा है, इस बंदे के लिए तुम क्या बोलना चाहोगे? कुछ फालतू मत बोलना, बस तुम कुछ भी ऐसा अटपटा सा वर्ड बताओ कमेंट में कि ये बंदे पे जो सूट करे भाई। मैं बताऊं इस बंदे ने मूड की क्या बताऊं भाई, मैं बस छोड़ो नेक्स्ट मैच पे चलते हैं। ये वाला मैच है, मैं देखो आइलैंड पे आया था, और अभी तक देखा जाए तो कॉमन रीजन क्या है मेरे मरने का? अब मुझे उतरते सिर्फ 2 VSS मिली आइलैंड जैसी जगह पर, कोई नहीं मैं एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेजेंडरी प्लेयर हूं, तो मैंने चलो उसको खत्म कर दिया। लेकिन यहां पर मैं वापस से पंती कर जाता हूं, मैंने सोचा क्यों ना 2 VSS हाथ में है और एक्सटेंडेड मैग मिल गया दोनों पे, तो डैम तो मौज हो जाएगी ना, देख रहे हो मेरे को। मतलब अभी तक मेरे पास 600 मैग है नहीं, पर दोनों पे हो गया तो शायद VSS भी बढ़िया चल सकती है, तो मैंने सोचा क्यों ना डबल VSS चैलेंज भी एक तरह से कर ही लेते हैं। मेरे ख्याल से मेरे मरने का कॉमन रीजन यही है, मेरे अटपटे कॉम्बोज, समझ रहे हो। टीममेट को मैंने फटाक से रिवाइव करा, देखो सामने की तरफ अभी एक टीम है, देखा ना तुमने खंबे पे लटक रखे थे दोनों, और एक हमारे लेफ्ट में, ये देखो तुम अगर तुमने नोटिस करो जस्ट मेरे लेफ्ट से एक बंदा गया आगे। बस मुझे यहाँ पे नॉक नहीं होना, क्योंकि मैं बता रहा नॉक हो गया तो सीन हो जाएगा। फर्स्ट एड तो है खैर, बट एक बंदा आ गया, खत्म।
बहुत ही तगड़े साहिल, क्या ही बताऊं मैं क्या कर रहा हूँ यार। अब तो मैंने सोच रही थी भाई अब तो VSS ही यूज करनी है, 3 किल हो गया यार। तुम्हें पता है स्टार्टिंग में कोई क्या बोला मैं, कोई गन अच्छी चल जाए तो अक्सर मेरे लिए लकी साबित होती है। हाँ पिछले मैच में मैंने SKS यूज नहीं करी थी बट RPG का चक्कर हो गया था। काश मेरे को इस बार AW वगैरह ना मिले जिससे मैं पिंगलू ना। देखो सामने इनको मारना बहुत मुश्किल है क्योंकि 4X स्कोप अक्सर मैं स्नाइपर्स के लिए यूज़ करता हूँ और स्नाइपर के लिए मैं अपनी जार ऑफ कर रखा है, मतलब 4X स्कोप के लिए, तो मेरे को बार बार उंगली नीचे स्लाइड करनी पड़ती है, इसकी आदत है नहीं। हाँ मैं सेटिंग्स में जाके चेंज कर सकता था लेकिन भाई आलस आ रहा था, लिटरली आलस आ रहा था। तो मैंने सोचा भाई जो अपना स्ट्रॉन्ग जोन है क्लोज है वहीं पर जाकर इन बंदों को देखते हैं। मेरे टीम ने कुछ ग्रेनेड वगैरह फेंकने का ट्राई करा बट मेरा ग्रेनेड कुछ स्पेशल है यार, वो देखो अभी भी बिल्कुल मैंने 1 सेकंड पे फेंका, समझ नहीं आया कि इनमें से कोई एक नॉक कैसे नहीं हुआ। हाउ ठीक है अब कर दिया है, शॉटगन्स थी बंदों के पास बट इट्स ओके, एक को नॉक कर दिया, दूसरे को मारना आसान होगा, वैसे मेरे पास एक्सटेंडेड है अब तो 1, 2, 3। अगर तुम्हारे पास TPP है ना तो भाई मैं बता रहा छोटी से घटिया गन भी ना लिटरली RPG समान रहती है, ये ज़्यादा बोल गया मैं बट स्टिल तुम इजीली नॉक कर सकते हो। अब मेरे को यार VSS चलाने से कोई नहीं रोक सकता, मैं खुद भी नहीं रोक सकता क्योंकि यार 5 किल्स VSS से करे, सोच सकते हो आइलैंड जिस जगह पे, तो यार ये बंदा क्या नहीं कर सकता, खुद की बात कर रहा हूँ मैं। देखो आया यहाँ पे जंकयार्ड के पास, पीछे कोई बॉट था पर सामने की तरफ रियल प्लेयर्स है, यहाँ जस्ट बचा हूँ मैं रेड जोन से और बंदे कहाँ हैं भाई, ओ साइड में और देखो ये लास्ट बंदे को कोई सेंट्रल रोड से मार जाता है, आई मीन इस हिल के लेफ्ट साइड, मतलब मेरे लेफ्ट साइड। मैंने ट्राई करा टीममेट के आगे गाड़ी खड़ी कर दूं, शील्ड बना के उसको बचा लूं मैं, देखना नहीं भाई ये जो डुओ जिसने थर्ड पार्टी करी है ना ये बहुत गंदा मार रहे हैं, देख रहे हो मैं भी बस बच गया, अब उनको एंगल नहीं मिल पा रहा, नहीं तो ये गाड़ी फोड़ देते इजीली, और मैं इतना घटिया आलसी बंदा हूँ, अभी मेरे को गाड़ी से उतर जाना चाहिए पर नहीं, अभी भी बस आगे तक निकल जाते ना, मैंने सोचा कि ना सेंट्रल रोड तक जहाँ से वो बंदे शूट करते ना वहाँ तक पहुँच जाता हूँ। और भाई लेफ्ट में भी बंदा है, ये रिकॉर्डिंग देखते हुए मेरे को पता चला कि मेरे से ज़्यादा मेरे टीममेट को मेरे गेम प्ले की पड़ी यार, भाई सैल्यूट है टीममेट को कसम से, मैं खुद भी नहीं सोच रहा था कि कोई नहीं गाड़ी में चल देते लेकिन टीममेट ने बार बार बोला कि भाई मर जाएगा तेरा गेम प्ले बर्बाद होगा, फालतू में इतनी मेहनत बर्बाद जाएगी। ओके मैंने टीममेट की बात मानी है, देखो लेफ्ट से बंदा है, मुझे लगा सोलो है बट नहीं मेरे दोस्त, देखो एक राइट से भी आया और ये लेफ्ट से ये वाला आ रहा है, बस इसी का मेरे को डर था कि हाँ ये गलती से ये नुबड़े एस्टल के वाले आ गए तो मैं क्या कर लूँगा VSS लेकर, भी TPP हुआ तो मार भी दूंगा बट क्या बताऊँ, देख रहे हो यहाँ पे TPP था फिर भी ये छोड़ो साहिल चुप रहे यार शांत, बच्चे ऑफेंड हो जाएंगे। ये वाला मैच में मैं आइलैंड पे आया था और ये वाला मैच में इंटरेस्टिंग चीज़ पता क्या होती है, मैं बड़ी लेट लैंडिंग करता हूँ लेकिन लेट लैंडिंग करने के बाद में बहुत ज़्यादा लकी रहता हूँ यार, देखो हर अपने कोने पर पहुँच जाता लेकिन ये वाला कोना मेरे लिए बिल्कुल सेफ रह जाता है, देख रहे हो गन भी मिल गई उतरते लेकिन क्या फ़ायदा मैं क्यों बोल रहा हूँ तुम्हें पता चलेगा, देखना सामने वाले कोने पर भी एक बंदा था लेकिन वो शक्ल नहीं दिखा था, मैं थोड़ा ऊपर आया फिर मैंने एक बार देखा ढंग से कि कोई तो शक्ल दिखाओ लेकिन यहाँ से बिल्कुल लग नहीं रहा सामने कोई बंदा है भी, नहीं बिल्कुल नहीं भाई, कति शांति हो रखी थी, थोड़ा सा मैं राइट साइड जाता ना तब फुटस्टेप आते हैं, है ना देखो लेफ्ट साइड फुटस्टेप आ रहे, कोई ना कोई बंदा उस तरफ जा रहा है, ये देखो मेरे सामने एक टीम थी इनको पता नहीं है मैं इनके पीछे हूँ, अब देखना मेरे को अपने 6X को 3X बनाना था, ये बना 3, टीममेट सोलो, आज टीममेट को ज्यादा ही फॉर्म है भाई, मेरे को कसम से किल नहीं देने वाला है, यहां देख रहे हो कितना बड़ा पोपट हुआ भाई, इसको इतना डैमेज दिया था और इस बंदे को वो अपना किल दे गया, मतलब मेरे को यहां पे लिटरली गाइस 3 किल मिल सकते थे आराम से, एक टीममेट ले गया, एक ये बंदा ले गया और ये बंदे को मैं ले गया, तो मतलब एक ही किल मिल पाया मेरे को, मैंने बोला था ना कुछ देर पहले क्या फायदा, तो हाँ जी कुछ फायदा नहीं हुआ जल्दी लैंड करने का, बढ़िया जल्दी से गन मिलने का, मात्र 1 किल मिलता मेरे को आइलैंड जैसी जगह से, छी यार शर्म के मारे मैं निकल चुका था स्टेडियम की तरफ और लेफ्ट साइड तुमने कुछ नोटिस करा नहीं, करा ना मैंने भी नहीं करा था, मैं ये बोट के बॉट की तरफ आकर्षित हो चुका था लेकिन अब यहाँ से गन शॉट्स की आवाज़ आती है तो भाई अब यहीं पे आएंगे, यहाँ पे इन्होंने एक टीम को ठिलाया और अब हम इनको ठिलाने वाले हैं, मजा आने वाला तुम्हें,
डैम यार क्या ही मारा इन बंदों को, और मजा है भाई इन बंदों से लड़ने में, क्या ही खेले ये लोग। हम हार गए बट स्टिल ऐसे बंदों से लड़ने में जो मजा है ना वो अलग ही है, मजा ही आ गया यार। बताना आप तुम्हें कैसा लगे वाला सीन, सब्सक्राइब करके जाना। अगर मैं वो शायद एंड में ड्रॉप शॉट नहीं देता ना तो बंदा मेरे को खत्म कर देता, मेरी भी काफी कम हेल्थ थी और वो तो था ही 2-3 गोली का। वेल जो भी हो, गाड़ी पकड़ कर मैंने सोचा क्यों ना एक बार थर्डल भी चेक कर आते हैं, बट तभी मेरी नजर राइट साइड वो ड्रॉप पे गई और वहां से देखो जस्ट अभी एक डाशे भाग के आई है। अब मुझे लगा था ये लोग हमें देख के शायद निकल जाएंगे, और यहां से देखने ऐसा लगा था टक्कर होगी मस्त, लेकिन टक्कर होती है पेड़ में। वाओ ये कुछ ज्यादा सरप्राइजिंग नहीं हो गया, मैंने भाई कसम से इमेजिन नहीं कर रहा था एकदम से उतर जाएगा। लेकिन हाँ मुझे पता है आप बाद में रिकॉइल होता, लेकिन जितने रिकॉइल होता इतने वो बंदा नॉक हो जाता है। वो नॉक इसलिए क्योंकि मेरे टीम ने उसकी क्रॉसबो छाप दिया था, मेरे को समझ नहीं आ रहा टीम ने क्रॉसबो छापा कैसे, इतनी तेज आ रही थी भाई गाड़ी। अच्छा ओके, अब हम भी अपनी गाड़ी तेज भगा कर वापस स्टेडियम के पास आ चुके थे। क्या करें भाई, जोन यहीं पे था और यही एक हॉट ड्रॉप है आसपास, तो मे भी बंदे यहाँ कहीं हो, बट तभी सामने से एक ट्रिपल सीटर आती है और इस ट्रिपल सीटर वाले बंदों के चक्कर में कांड होने वाले हैं। देखो अपार्टमेंट की तरफ से भी गोली चली, ठीक है, और अब देखना कहां कहां से थर्ड पार्टी होती है। ओ भाई इजी इजी, क्या ही बचा यहाँ पे, एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था, सारी अनएक्सपेक्टेड चीजें हो रही हैं। साहिल क्या बवाल मार रहा था आज इन बंदों को, और तभी देखो मैंने आपसे बताया ना अपार्टमेंट से भी गोली चली और यहां पर भी एक टीम है शायद से। मैं प्रोन हूं और भाग भाग भाग, मैं प्रोन तो बिल्कुल सही हुआ था, उस बंदे को नॉक कर भी देता, बट तभी मैंने देखा फ्रेम में कि उसका टीममेट भी मेरी तरफ देख रहा है। मैं सोचा बस साहिल अभी तू नॉक हुआ बट बचे, बट ट्राई तो करना पड़ेगा भाई, अपन शांत बैठने वालों से मैं है नहीं, उंगली करनी पड़ेगी। ये सही हुआ रहा, ये बिल्कुल सही हुआ, मेरे को डर लग रहा था कि गलती से नॉक हो गए तो ये दोनों रश कर देंगे, बट अभी क्यों करेंगे दोनों रश भाई, 50-50 का स्कोर है। मेरे टीम यहाँ मैं नॉक हो तो वहाँ पर भी मेरे टीम ने एक बंदे को नॉक कर दिया, तो फालतू डिले करते हैं नहीं, गाड़ी में बैठ के सीधा रश करते हैं। अगर तुम देख पा रहे हो तो सामने स्मोक हो रखा है, इट मीन्स अभी भी रिवाइव चल रहा है, नहीं हो सकता रिवाइव तो पहले चल गया होगा भाई, स्मोक तो काफ़ी सेकंड तक रहता है। तो फिर भी मैं यहाँ पे आर पार कर देता हूँ गाड़ी, और मैं देख नहीं भूलूंगा टीममेट का एक ग्रेनेड वगैरह, इतना ज़्यादा फोकस हो चुका था। और वो बंदे देखो पीछे और गार्ड हो गई, बहुत बड़ी गलती गाइस, बहुत बड़ी गलती। और इस वाला मैच में किसी भी ओल्डफुल रीजन से नहीं मारा मैं, इसमें तो मेरी गलती थी यार, क्या बताऊं। मैं पीछे देख रहा था कि वो बंदे गए तो गए कहां, और इतने में आगे पेड़ आ गया बस, फिर रुक गए और वो तो हम पे ऑलरेडी एम करके बैठे थे। जो भी हो, ये वाला मैच में मैं ओल्ड पैसन आया था, सोलो खेल रहा था मैं, मैंने सोचा काफी डू हो गया, सोलो खेले थे, काफी बढ़िया मैच है ये भी। तो फुटस्टेप से तुम्हें पता चल चुका होगा बंदा मेरे जस्ट साइड वाले घर पे है। अब ऊपर की तरफ मेरे को डर था बस शॉटगन वगैरह ना हो, लेकिन शॉटगन होती तो शायद, शॉटगन तो थी। थर्ड पार्टी करने का पूरा ट्राई करा कि हेड पे भिड़ी जाए, लेकिन नहीं, एक बंदा वहां पर मारा जा चुका है, तो भाई सेकंड पार्टी कर लेते हैं। हाँ सेकंड पार्टी कुछ भी कह लो, कहा ना मैंने काफी बंदा है। देखो स्क्वाडर्स के उस तरफ जो रोड है ना वहां पर से भी एक एम चल रही है, तो पहले तो ये जो मेरे राइट साइड बंदा है इसको देखते हैं। पहले लगता है स्क्वाडर्स वाले को देखना पड़ेगा भाई, बहुत देर से पटर पटर बोट लपेटे जा रहा है। वेल बहुत ही सही तरीके से इसको मारा भाई, कहां दरवाजे वेट कर रहा था यार, ऊपर भी देख लेना चाहिए इंसान को। चलो बारी उस एकेएम वाले बंदे की जो कि स्क्वाडर्स के आसपास से गोली चला रहा था। मैं इस तरफ आया और देखना शायद तो उसका हेड दिख चुका होगा ना, बिल्कुल वो बिल्कुल ही दिख चुका होगा, बताने की जरूरत नहीं, लेकिन बंदे ने डैमेज बड़ा सही दिया वहां से, एकेएम से मारा है, M4 होती तो शायद और भी तगड़ा मार देता। ये मैं जानू चीज को थोड़ी शक्ल दिखाता हूं, इसको टीज करते हो कि ले भाई तंग हो तू। और यहां से भी देखो गनशॉट्स की आवाज आई, तो बस कहीं नहीं, वो तो बोट है, गलत मैं सोच रहा था, गलत फंस ना जाऊं उसको शक्ल दिखाने के चक्कर में, लेफ्ट वाला बंदा शक्ल बना जाए मेरी बढ़िया, वो तो बोट है, उसे इग्नोर करना था मेरे को। और यार कति हल्के में ले गए बंदा मेरे को, मतलब Let's move.
like it's cocaine. We always move fast, never in the slow lane. Enough foreplay, baby, this my domain. Don't wait, take the wheel and we can go play. Oh, you a bad girl, know what you like, yeah. Said you like your legs with a little sun aside, yeah. Said you make them gag 4 seconds every time, yeah. Need a bigger legs, I'm tingling in the night, yeah. I know it's your fault when you do what you do. And babe, I wanna make you mine. When I see those lips move, I'm thinking, damn, girl, yeah. Just let me be your man, girl. She got me all in by the way that she falling. Down that pole throwing ones like I'm ballin'. Call me a pro, cause I know how to call them. Damn, she fine, I just wanna see her all. I like rock and roll, don't stop it, no. I like a bad chick, dropping low, down to a low. Her body, I'll explode. The neighbors hate, ignore. They're banging at my door, she's screaming out. And all I know is